राम राम दोस्तों, लीजिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक और रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ हॉट एंड स्पाइसी पेरी पेरी मसाला पनीर। वैसे तो पेरी पेरी आपने काफ़ी चीज़ों में ट्राई किया होगा, चिकन में और भी फ्रेंच फ्राइज में या किसी और भी तरह, पर आज मेरे स्टाइल में पनीर में ट्राई कीजिए। देखते हैं ये कैसे बनेगा। वैसे तो जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है अफ्रीकन रेड चिली, जो मेरे पास नहीं है, रेड बेल पेपर भी नहीं है। देखते हैं क्या यूज़ किया है। नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी देगी मिर्च, आधा चम्मच सिरका, ऑरिगेनो स्पाइसेस, दो साबुत लाल मिर्च, और मैंने थोड़ा थोड़ा पेरी मसाला ले लिया है। और ये मैंने ग्रीन कैप्सिकम यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास आज रेड बेल पेपर बिल्कुल अवेलेबल नहीं था। तीन छोटे छोटे टमाटर लिए हैं मैंने, जिनको काट लिया है। एक प्याज लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है। थोड़ा सा धनिया लिया है और दो चम्मच तेल लिया है। एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लहसुन की कलियां ली हैं। और ये घर का बना हुआ पनीर है, गाय के दूध से बनाया हुआ सॉफ्ट सा पनीर मैंने इस्तेमाल किया है इसमें। अब मैं अपने सारे मसालों को मिक्सर जार में डाल दूंगी ग्राइंड करने के लिए। सिर्फ पनीर को मैंने छोड़ दिया है, वो तो ऑब्वियस है, आपको पता ही है। और ये मैंने जो पेरी पेरी मसाला लिया है इसको छोड़ दिया है, ये बाद में डालूँगी। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद मेरा ये अच्छा सा दरदरा सा पेस्ट तैयार हो गया है। अब मैं इसको गैस पर रख कर भूनूँगी। अब ये मैंने हल्की गैस पर रखा है, बिल्कुल हल्की भी नहीं, मीडियम गैस पर रख दिया है। अब इसको भूनते हुए मुझे करीब 5 मिनट हो गए हैं, तो ये कुछ इस तरह का लग रहा है 5 मिनट में। ये अभी तैयार नहीं है, 10 से 12 मिनट लग जाएंगे इसको भूनने में मीडियम गैस पर ही। अब ये मेरे को 12 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, इसने साइड्स छोड़ दी हैं, कलर भी चेंज हो गया है इसका, और ये अच्छे से भुन चुका है, कच्चापन भी निकल गया है। अब मैं इसमें पनीर और थोड़ा सा पानी डालकर फिर से ढककर इसको 5 मिनट के लिए रख दूंगी। अभी अच्छे से मिक्स होता जा रहा है, थोड़ा सा और सूख जाए जैसे आपको चाहिए हो। अब मैंने इसमें थोड़ा सा पेरी पेरी मसाला डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको बाउल में डालकर सर्व करूंगी। आप कैसे पसंद करेंगे, चपाती के साथ, परांठे के साथ, या रोल बनाकर खाना चाहेंगे, जैसे आपको अच्छा लगे बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। Thanks for watching my friends.